नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लूट के 20 लाख रुपए कट्टा बाइक पुलिस ने जब्त किए। 20 लाख की लूट का एसपी सचिन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। ड्राइवर सादिक ने अपने भांजे सलमान उर्फ सोनू के साथ रची थी लूट की घटना। आरोपी सोनू ने नेशनल हाईवे पर जा रही गाड़ी को पंचर होने पर किया था गुमराह। इसके बाद कट्टा लेकर हुआ था गाड़ी में दाखिल। सुनसान इलाके में ले जाकर 20 लाख रुपए से भरा बैग लूटा था। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी सादिक एवं सलमान उर्फ सोनू पर मामला दर्ज किया। व्यापारी शेख फहीम अपने ड्राइवर के साथ कटनी जा रहा था। 20 लाख रुपए लेकर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ब्रजपुरा के आगे की घटना। एसएसपी समीर सौरभ, सीएसपी उमेश शुक्ला, सिविल लाइन टीआई धर्मेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक दिलीप करण नायक, एएसआई राजेंद्र बागरी, प्रधान आरक्षक सतीश त्रिपाठी, आरक्षक दिनेश धर्मेंद्र चतुर्वेदी, हरचरण की टीम ने 24 घंटे के अंदर पकड़ा आरोपियों को। घटना में उपयुक्त कट्टा, कारतूस और रुपए और बाइक जब्त की। छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। थाना सिविल लाइन अंतर्गत 2 तारीख को शाम 4 बजे रिपोर्ट आई थी कि 20 लाख की लूट हुई है। इसमें जो आवेदक है उनके द्वारा बताया गया था कि हाईवे पे खासकर एक व्यक्ति ने उनकी गाड़ी को रोका, ये कहते हुए कि गाड़ी पंचर है। उसके बाद गेट खोला, कट्टा अड़ा के जो उनकी गाड़ी में बैग पड़ा था जिसमें 20 लाख रुपये थे वो लेकर चला गया। इसमें तस्दीक करते हुए खासकर थाना सिविल लाइन की जो टीम थी उन्होंने बहुत मेहनत की, प्रयास किया और इसमें जो 2 मुख्य आरोपी थे मोहम्मद सादिक और सलमान उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो लूट की पूरी रकम है 20 लाख रुपए, एक 315 बोर का कट्टा और घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल सभी जब्त कर दी गई हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर के द्वारा घटना रखी जाती है, ये जैसा कि अभी विवेचना के दौरान निकल कर आया है, जो मालिक थे उनके ड्राइवर थे सादिक, उनके द्वारा ये रणनीति या कार्य योजना तैयार की गई जिसमें अपने भांजे के साथ जो कि महोबा का रहने वाला है उन दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया।